कर्नाटक कानून साज काउंसिल के शुमाल मशरकी ग्रेजुएट हलके के इलेक्शन के लिए आज पोलिंग हो रही है। गुलबर्गा में पोलिंग बूथ्स में मुनासिब इंतजामात न करने की शिकायत सामने आई है। अलमीन स्कूल विद्यानगर गुलबर्गा में वोटर्स की तादाद ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ एक कमरे में वोट करने का इंतजाम किया गया है, जिसके नतीजे में वोटर्स को तवील कतार में खड़े होकर वोट देना पड़ रहा है और उनका काफी वक्त जाय हो रहा है। इस पोलिंग बूथ पर वोटर्स को मुनासिब सहूलियात भी मुहैया नहीं करवाई गई हैं। हलके के आजाद उम्मीदवार अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने मुनासिब इंतजामात न करने पर सख्त आदम इत्मीनान का इजहार किया है। यहाँ पर किसी भी किस्म के आप लोग क्यू देख सकते हैं, लेडीज और जेंट्स की एक क्यू में ठहरा करके लेडीज और जेंट्स को आधा घंटा घंटे के करीब वेट करना पड़ रहा है उनको वोट डालने के लिए। मैं लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पर सुविधा न तो शामियाना टेंट पर इंतजाम किया गया है न तो पानी की व्यवस्था की गई है। पूरे लोग परेशान हैं, लेडीज जेंट्स ठहरे हुए आधा घंटा एक घंटा वेट करना पड़ रहा है उनके क्यू आने के लिए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये सुविधा को दूर करें और तो और 1500 वोट रहने के बावजूद सिर्फ एक रूम प्रोवाइड करें। एक रूम में कैसा 1500 लोग ये करेंगे, इनसफिशियंट है ये, कंफर्टेबल भी नहीं है ये। दो रूम तो मिनिमम, दो रूम तो अलॉट करना चाहिए, दो बूथ करना चाहिए उसको 750 की, वो भी नहीं करें, ये बड़े दुखद की बात है। तो मैं जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आरसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर विद्यानगर कॉलोनी में आलमीन उर्दू स्कूल को विजिट करके ये देखें या जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन के कह दें कि और कुछ इंतजाम करें। ये जो पोलिंग बूथ है विद्यानगर का अलमीन एचपीएस, यहाँ पर जो इंतजाम होने चाहिए, जो सुविधा देनी चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी जा रही है सही से। तकरीबन जेंट्स की जो लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है, उसके अंदर 150 से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं और लेडीज भी उसी तरीके से 100 से ज्यादा यहाँ पर क्यू में लगे हुए हैं। एक तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी बारिश हुई है और ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी में और ज्यादा इजाफा हुआ है और उसके बाद हालत यह है कि यहाँ पर पानी पीने तक के लिए इंतजाम नहीं किया गया है। यह हालत में लोग यहाँ पर आने वाले वोट डालने के लिए जब आते हैं तो ये इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ देखकर वापस भी चले जाएंगे। तो जो परसेंटेज हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसमें घटना शुरू हो जाएगी। जो लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं वो लोग भी वापस जाना शुरू हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर इंतजाम दुरुस्त करें और क्योंकि यहाँ पर 1500 से ज्यादा लोगों को वोटर्स को ये पार्ट में दिया गया है, पार्ट नंबर 30 में रिक्वेस्ट यह है कि सही से इंतजाम करें और यहाँ पर लोगों को सहूलत दें ताकि वो लोग आसानी से वोट डाल सकें।